असलास मैं हूँ आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मूमेंट्स विद वीनस वीयर्स आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन है वो क्या करती हैं वो कैसी दिखती हैं ये सब हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी लेकिन सबसे पहले आप जाकर देखिए उनका प्रोफाइल का प्रोफाइल हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं रशियन सेंटर ऑफ साइंस में ये कोऑर्डिनेटर हैं और वहाँ पे थिएटर चलाती हैं इसके अलावा इवेंट मैनेजर हैं कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान स्पोर्ट एंड एजुकेशन एड़ की और इसके अलावा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एज अ कोच भी काम कर चुकी हैं पाकिस्तान टेबल टेनिस जौहर क्लब में ये सेक्रेटरी भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा आकेब और इनसे बात करते हैं जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कोई काम रह गया है जो आपने नहीं किया आ, इसके अंदर एक चीज रह गई है जो कि क्लासिकल डांस है जो कि क्लासिकल डांसर भी हैं आप डांसर अब नहीं हूँ अब मैं सिर्फ ट्रेनिंग कराती हूँ और मैं

जी माशाल्लाह ये मुझे How was your experience है। और कैसा था वो सारा व well, uh, इतने सारे मर्दों में अकेली औरत होना अकेली लेडी होना आई वाज वेरी For me, और मैं पाकिस्तान को करी थी as a coach, हाँ, Thailand में World Championship में अच्छा और हमारी थर्ड पोजीशन आई थी माशाल्लाह हमने अच्छा, इंडिया को बीट किया सबसे सबसे, 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 सबसे सबसे बड़ी सबसे सबसे बड़ी बात तो फुशी तो ये ये थी और है <laughs> कि आपने जो है इंडिया को बीट किया और हमारा जो है टाकरा जो गेम है उसमें नो एज लिमिट नो सेक्स लिमिट लाइक एवरी बेडी कैन इन पार्टिसिपेट इन दैट उसमें आप मिक्स भी खेल सकते हैं और उसमें एज है आपकी सिक्सटीन के बाद से आप

क्या बात है मतलब ये बहुत ही हमारे लिए फखर की बात है कि हम इस वक्त आपके सामने बैठे एनीवेज़ okay, so uh, uh, मुझे ये बताएं कहाँ से स्टार्ट किया फरीहा ने जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फरीहा की बचपन से ही शौक था ए, सबसे पहले जो है आपने इतनी चीजें की हैं सबसे पहले आपने क्या किया सबसे पहले तो हमारे वालदे ने हमारी शादी कर दी <laughs> अच्छा <laughs> सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया oh sweet. Uh, हम अभी अर्ली uh, स्टेज पे थे एजुकेशन की अर्ली स्टेज पे थे और yeah. शादी कर दी एंड माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस हस्बैंड ऐसा मिला मुझे कि उन्होंने कहा कि आप स्टडीज को कंटिन्यू करो और डू लाइक वाइक ये करना चाहती हूँ अच्छा okay, yeah. ये करना है गो मैं देख रहा हूँ okay. आ, मैं तुम्हारी बैकअप पे बल्कि मुझे इन लॉज से और मेरी इन लॉज से मुझे सारे लेट गो मिला मतलब मेरे, किया मेरे सबने? फैमिली वाले मुझे कहते थे क्या कर रही है अच्छा लेकिन मेरे इन लॉज इतने कॉपरेटिव हैं कि वो कहते थे

क्योंकि हमने अभी अर्ली स्टेज था हमें ऑफर आई फ्रॉम कोस्ट पाकिस्तान कोस्ट ओके एंड आई हैव स्टार्टेड माय करियर अ टीचर ओके आफ्टर लेडी उन्होंने मेरे अंदर की जो भी चीजें थी ना हाँ. मैं बोलती थी स्पोर्ट्स uh, में ये कराना चाहिए टीचर गई बट नहीं नहीं नहीं, नहीं If you are taking interest in sports, go ahead. Then go, okay. Good. Okay. Acha talent hunt hua. Then she said, "Can you do the speech? Can hmm. you do that?" Ha, ha, I can do. Acha, bachu ko activity karani hai, competition hai, inter school, whatever. Aapko ek faria go. go ahead. Tum karao. नई बात आ जाती है जब आपके आसपास के लोग जो हैं आपको support करना शुरू कर दें in a positive way, तो फिर इंसान वाकई में वो हर काम कर लेता है जो वो करना चाहता है मैं I'm you no, मैं इतनी हूं कि कि ना ना इतनी मुझे एक एक बेस जो था न, वो अच्छा मिल गया। हाँ। कि अगर अम्मा ने बोला कि शादी कर लो और हाँ। हमने कर लिया उनके कहने पे लेकिन हमारी फैमिली से हटके जो मुझे मुझे शायद फैमिली ऐसी मिलनी थी जहाँ पे वो लोग खुद भी दे आर थिंग्स और मुझे भी प्रमोट करते थे किस एज में आपकी शादी Uh, 18, I was 18, and when I was 20, I got a baby, mashallah. Wow. Huram Fatima, and uh -huh. uh, mashallah, this is how it is. And how uh, many kids you have? I have two kids, Two kids, Rida Fatima and Huram Fatima, mashallah. mashallah. Uh, the elder one is doing BBA in Accra University okay. last semester, okay. and the younger one is too young, she's in two class. Okay, <laughs> we have given a lot, a lot of gap because of my studies and okay. my work now, so uh -huh. because of that. Uh -huh. ठीक ये हुआ देन आई वेंट टू तो नासरा स्कूल ओके okay. एंड uh, वहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर आई हैव सर्व्ड टू इयर्स मैं वहाँ पे थी वहाँ पर uh, यहाँ पे जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब आए थे वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में hmm. तो ही सेट के आई थिंक तुम कुछ कर सकती हो आगे बढ़ सकती हो सही अगर ऑफिस की मतलब आप आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट <laughs> जो है वो सिर्फ आपके घर वालों ने नहीं देखा वो बाकी सब ने देख लिया

मेरा जो पार्टनर है जिसके साथ मैं ज्यादातर होती हूँ वो है मंसूर मंसूर खान बब्बन खादा की बेटिया का राइटर है वो okay. नापा के ग्रेजुएट है और काशिफ मीर है जो कि नापा के ग्रेजुएट है इसके अलावा मूशा है नापा के ग्रेजुएट हैं ये सारे मेजोरिटी जो मेरे पास है वो नापा से ग्रेजुएट्स हैं और दे आर वेल नोन के आगे मीडिया में काम कर रहे हैं वो एंड व्हाट यू थॉट कि आप मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं इतनी सारी चीजें कर चुकी हैं आप जो हैं पाकिस्तान टेबल टेनिस जौहर क्लब में एज ए सेक्रेटरी भी काम कर रही हैं हाँ जी uh, As I said, कि मैं uh, क्लब के अंदर ही थी बच्चों को सिखा रही थी तो uh, कॉलेज लाइफ में हमने विमेन कॉलेज फ्रॉम शारलेगाद से मैंने किया तो वहाँ पे टेबल टेनिस ऐसे जस्ट फॉर फन खेलते थे हाँ. तो मैं खेल रही थी वहाँ पे टेबल पे कि बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं ऐसे खेल रही थी तो सर वहाँ से गुजरे uh, तो ही सेड आप खेलती हैं हाँ. मैंने कहा मैं खेलती नहीं मैं खेल रही हूं हां तो कहते नहीं आप जरा चल एक मैच हो जाए हमारा हुँ. तो हम दोनों ने मैच किया एंड ही सेड

सबसे पहले तो मैं बहुत डर गई थी क्योंकि आ, आ, यकीन नहीं आ रहा था <laughs> वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप हाँ। यकीन नहीं आ रहा था एंड हाँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम ओह माय गॉड सिक्स मंथ्स प्रेग्नेंट थी मैं और आ, क्योंकि मुझे पता था आई स्टार्टेड क्राइंग मैं तो रोने लग गई कि अब कुछ नहीं होगा अब तो मेरा करियर गया करियर और फैमिली से अम्मा तो वैसी आपको पता है अम्मा तो वैसी हाँ वो ये, आपने ऐसा बताया नहीं, करना, ये हाँ। नहीं करना तो माए थोड़ा उनको सिर्फ यही देखती है की मेरे बच्चे को आ, मतलब कोई तकलीफ ना हो या फिर वो किसी ऐसी जगह पर ना जाए या फिर यही चीजें होती है सारी so अपने husband को बोला कि आ, आ, हमें तो नहीं पता चला हमने प्लान तो नहीं किया था बट इट अल्लाह तरफ से गिफ्ट आ गया है तो अब क्या करना चाहिए सकते हैं कि तुम कर सकती हो तुम ट्रैवल कर सकती हो गो आज के डॉक्टर डॉक्टर से पूछा ही सेट शी सेट एवरी थिंग इज़ फाइन गो अहेड अम्मा को नहीं बताया <laughs> अम्मा से छुपाया आज जो है इस शो की वजह से पता चलेगा नाजरीन कि इस लड़की ने अपनी अम्मा को नहीं बताया था अच्छा अम्मा, अम्मा, को नहीं बताया और हम जो है जब फ्लाइट पे बैठ गए तो फिर हमने कॉल किया अम्मा को कि अम्मा दुआएं देते हैं कि मैंने कहा जा रही हो क्योंकि तो अच्छा। तो दे दे, <laughs> बात को कंटिन्यू करेंगे मुझे ब्रेक पे जाना है तो वीर मेरे साथ बैठी हैं फरीहा आके ब... और बड़ी अच्छी और मजे मजे की बातें कर रही है लेकिन यहाँ पे मुझे जाना है एक ब्रेक पे तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद वेलकम बैक बैठे हैं हम फरीहा आकिब के साथ और यही वो औरत है जिसने अपनी माँ से चुकाया था बहुत अच्छी बहुत बहुत स्वीट है बहुत प्यारी है और बहुत प्यारी बातें कर रही हैं तो आइए दोबारा से कंटिन्यू करते हैं फिर आपने अम्मा से प्लेन में बैठ के दुआएं ली अम्मा से ब्लेसिंग्स ले ली दुआएं ले ली और अम्मा को कह दिया कि मैं आके बताऊंगी क्योंकि हमारे एक हफ्ते का टूर होता है तो एक हफ्ते का टूर था एक हफ्ते बाद जब हम रिटर्न हुए तो हम हमारी अम्मा को हमारे हस्बैंड ने बता दिया था ओके okay. मतलब <laughs> आपके आने से पहले ही वो मेंटली प्रिपेयर कर दिया था हाँ, अच्छा अच्छा ओ बुला के दावत भी थी हमारे घर में मैं आई तो सरप्राइज था सारे हाँ. बहन भाई सारे गैदर हुए हुए थे कि वाह भाई माशा आपने ये किया और आप पहुंच गई अम्मा ने ना आओ देखा ना था देखा अम्मा ने कहा मैं जूती उठानी है तो आप किधर निकली थी ऐसे Oh जी मैं बिल्कु good, बिल्कुल ठीक एब्सोल्युटली फाइन फिर ये ग्राउंड पे भी जाएगी ये देखेगी बच्चों को क्या कर रहे हैं क्या yeah. ट्रेनिंग मैंने कहा ऐसा नहीं कि मैं भागूंगी उनके साथ आई कैन डू दैट ये आ, मैंने अम्मी को ये भी बोला जी वो खेतों में काम करती है और अब उनका सोचे अब हम तो यहाँ भी 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 पे बहुत ही बहुत ही प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं और वेल ऑर्गेनाइज हर चीज है हमारे आ, पास बहुत सारी फैसिलिटीज है हैं, और उन लोगों के पास तो फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं लेकिन फिर भी वो टिल द एंड दे आर डूइंग द वर्क और मैंने कहा अम्मा हम लोग इतना वर्किंग नहीं करें अगर हम उनकी तरह वर्किंग करेंगे तो आई टेल यू की हम लोग को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल बिकॉज हम लोग इतना अपने आप को सोच रहे थे कि यार ये कोई दिस इज नॉट अ बीमारी हाँ कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी थोड़ी ये हाँ. तो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है बिल्कुल यू टेक इट एज तो बहुत मतलब अच्छा फिर उन्होंने गले लगाया हाँ, रिएक्शन उन्होंने, <laughs> <laughs> उन्होंने उसी वक्त नहीं सुधरेगी और सोने दिए हाँ बिल्कुल नाजरीन अम्मा ने हथियार डाल दिए फिर उसके बाद क्या हुआ फिर स्पोर्ट्स के बाद फिर हमने जो है कल्चर सेंटर में मैंने काम करना शुरू किया वहाँ पे थिएटर किया जब थिएटर किया तो वो फिर हमें स्कोप मिला कि हमने पूरे पाकिस्तान में थिएटर किया अच्छा मुझे ये बताइए किस तरह के कि आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स ऑबवियसली एक्टिंग कराना और एक्ट करवाना इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग यू नो कॉज किसी को एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे होते तो उसके लिए क्या करते हैं आप अगर किसी को रोने वाला सीन देना हो उसको दो थप्पड़ मारते हैं तुम रो <laughs> नहीं, हसाने नहीं वाला आप एनहांस करते हैं, हाँ. मतलब हैं, हैं, हैं? देखिए हमारे पास अगर हंड्रेड स्टूडेंट आता है तो उसमें से सिर्फ दस ही रह जाते हैं दस रह जाते हैं बिकॉज हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके साथ साथ सिलेक्शन भी हो रही होती है बिल्कुल ठीक है ना और एक्सप्रेशन की बात यह है कि उनके अंदर ऑलरेडी एक जम होता है जब भी तो वो यहाँ आते हैं जम्प्स के साथ ही आ रहे होते हैं बस हमें वो उस जम्प्स को जो है ना वो कोरोना को हमें मेडिसिन करना होता है हा, 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 और फैलाना होता लेकिन है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करना तो चाहते हैं बेचारे लेकिन वो चीज नहीं आ रही होती शौक तो जाहिर है सबको होता है हाँ उसके लिए फिर हम लोग देखे ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम द हाउस हम उनको बोलते हैं कि देखो आप अपने घर के अंदर ही ऑब्जर्व करो कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है ओके ठीक है है अभी अपने अम्मा को को देखो देखो अपने अब्बा अगर आपको टीनेज का मिल जाता तो आपके 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 हैं घर पर आप उनको करें एक खेले वाले का मिल जाता है तो आप यू you नो know, ये आप एक्टर कहाँ से बन रहा था हम किसी को देख के बन रहे हो बिल्कुल अभी बुशा अंसारी को आई रियली लव हर तो मैं जब मैं रेडियो पाकिस्तान में अच्छा मैंने नहीं किया मैंने रेडियो रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान भी, भी <laughs> कर चुकी <थी। laughs> और कोई चीज़ रह <laughs> गई तो फिर उसमें मुझे उन्होंने कहा था नहीं अब आप एक, एक शो हमारा किया करेंगे तो खाजा के साथ मुझे शर्फ आसिल है उनके साथ मैंने काम किया आसिफ एलियास के साथ काम किया मैंने जो की वॉइस okay. ओवर देते हैं कौन सा ड्रामा है

दे वाह ओके कर लोगी मैंने कहा आप डायलॉग तो बताएं कितने थे बस तुम्हें तो करना है मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं है मैं आ, बहुत स्लो बात करती हूँ अब मैं बहुत पिच पे बात कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज्यादा मेरे जो बात करने का हो गया पहले मैं बहुत ज्यादा लो वॉल्यूम में बात करती थी अच्छा, स्पीच करती थी लेकिन आ, वो तो माइक भी होता था तो नहीं लाउड बोलो इस तरह बोलो अच्छा बोलो, अच एक कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया था अम्मा जी का अच्छा कि अम्मा जी का कैरेक्टर है आपको करना है अब अम्मा वो कैसा जी, था? अम्मा जी का वो, भी करके करके वो, वो, वो वो भी वो करके वो करके करके। भी करके करके दिखाएं दिखाएं बहुत खतरनाक अम्मा थी कोई बात नहीं अपनी बहू को जो है वो हर वक्त टॉन्टिंग करती रहती थी वो किचन के सामने बैठी रहती थी और बहू आ रही जा रही और वो दरा खोलियो कम बखत मारी गिरेगा कुछ माचिस देखो जरा माचिस देखो जली जा रही जली जा रही है बंद नहीं होगी आज तेल की सारी की सारी गोरामती यहीं से निकलेगी, कुआ निकलेगा फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग एक्सीलेंट क्या बात है और फिर उसके बाद हमने देखा so ना, दुन्थ दुन्थ तो ना ट्राई एनी ड्रामाज इन एनीथिंग या ड्रामा थिएटर हम हम हमारे जो थिएटर है वो बिल्कुल ही हटकर है बिल्कुल और हम, मेरा जो, हम जो थिएटर करते हैं रशियन थिएटर वो बहुत ड्राई होता है ओके अब उसमें आपके अगर डायलॉग एक है ना तो एक्सप्रेशन थाउजेंड्स है ओके अब आपने एक जूलियट का मैंने एक जूलियट का रोल किया था अब जूलियट के अंदर क्या था कि वो एक ऐसी सहमी भी नौकरानी है जिसको हर कोई प्रेशराइज कर रहा है उसकी सैलरी भी नहीं दे रहे और छोटी छोटी बातों से उसकी कटिंग कर देते हैं कि तुमने ये तोड़ दिया ये कर दिया तुम you are the responsible for everything. Everything, everything. तो वो, किस तरह से अपने कर है? अब वो बैठी हुई है कर रही है बट द बॉडी लैंग्वेज वो ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ जूलिया और जूलियट रिमेम्बर रही सबको बिल्कुल बाकी जो कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे उन सबका तो था बहुत अच्छा काम लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वो एक कैरेक्टर जो था वो मेरा पहला कैरेक्टर इट वाज सुपर टूपर हिट वाह मतलब आप वही बात आ जाती है थिएटर में जो है एक्सप्रेशंस की ही सारी गेम होती है आपको आप देखें अभी आप हम यहाँ बैठे हुए हमें पता है कि हमें बता रहे हैं कि आप ये कर ले ये कर ले वहाँ पे तो आपको ऑन द स्पॉट और सामने पब्लिक बैठी हुई है आपको पब्लिक का अगर फेस नीचे लग रहा है ना लो लग रहा है तो आप समझ रहे आपकी एक्टिंग गई आपकी एक्टिंग बिल्कुल, बिल्कुल। गेम है।, है आपको नजर आ जाता है का कितना इंटरेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है और वो लाइव होता है ऑन द स्पॉट होता है वहां पर आप अगर मिस्टेक भी कर अगर कोई सामने वाला डायलॉग भूल गया है तो आपने उसको कहना है अरे यार वो तो बात तुम्हारी क्या बात थी

डांस की तरफ से होता है ना बचपन में आ, गाना लगा के जब डांस करते हैं अच्छा, तो अम्मा डांटती हैं हमारी अम्मा ने तो हमें बस बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टनेस में ही रखा था अच्छा क्योंकि माशाल्लाह मेरे भाई जो है हाफिज कुरान है okay. मेरी भाभियां हाफिज कुरान है आई बिलोंग्स टू अ फैमिली कि मेरा एक भाई पेश इमाम भी है अच्छा माशाल्लाह तो मैं ही एक अजीबो गरीब एक मतलब ये एजुकेशन का ने, ने किया, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मजहबी तालीम के पर भी बहुत ज्यादा जो होता है अब उसमें से एक मैं अजीब वो गरीब निकली जिनको मैंने कहा अम्मा सबसे बेहतरीन काम आप लोगों ने जो किया ना मैं आप लोगों का इतना शुक्र गुजार हूं कि आपने मेरी शादी जल्दी कर दी <laughs> वरना अगर मैं यहाँ रहती तो, तो ये कुछ सब कुछ नहीं कुछ भी नहीं कर पाती नहीं I mean, fact, इसका मतलब है कि आपकी शादी के बाद आपको आपके ट्रैक्स का पता चला और यही एक फायदा होता है कि कम उम्र में जब शादी हो जाती है

आपको एक कितना लड्डू खाए पछताए जो ना खाए ललचाए तो आपका जो लड्डू है वो मीठा निकला हां माशाल्लाह बहुत मीठा निकला बहुत तो नजर आ ही रहा है अल्लाह का शुक्र तो है अल्लाह का शुक्र तो डांस की तरफ आ, मैं पूछ रही थी किस हाँ। तरह कब आना हुआ डांस की तरफ शीमा जी माय इंस्पिरेशन वाओ शीमा केरमानी शीमा केरमानी बेहतरीन वंडरफुल और उनके वॉचर उनका वे जिस तरह से वो स्टोरी टेलिंग करती थी और एक एक कहते हैं ना एक लव्स को एक्सप्रेस करना एंड शी हैज दैट और हमारे अंदर एक्टिंग के जर्म्स तो थे तो हमने कहा कि उनको ही देखे आई हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन लाइक आई हैव नॉट लर्न द एक्टिंग आई हैव नॉट लर्न द स्पोर्ट्स फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज़ मुझे स्पोर्ट्स का था मैं गई मैंने खुद ट्रेनिंग की एंड देन हाउ आई डिड ओके देन टेबल टेनिस का भी यही था कॉलेज में इंस्पिरेशन तो रही होगी आपकी हां बिकॉज़ मुझे जो इसरा एक्टिंग में कौन आपके इंस्पिरेशन थे बुशरा मैडम बुशरा उनसे मैं समझती हूं वर्सेटाइल कोई भी नहीं है अभी तक और अब तो वो राइटिंग में प्रोड्यूसिंग एंड ऑल दैट शी इज वंडरफुल ओके और फिर शी, सीमल, शीमल जी के लिए हमने डांस वगैरह उनसे उनको देख देख के ऑब्जर्व किया तो नहीं पता था लेकिन हम चले जाते थे क्योंकि स्कूल जो हमारे कजन वगैरह जाते हैं ना उनकी ट्यूशन और स्कूलिंग वहां मस्ट है, है तो उनके साथ जाते थे हम देखते थे वो कैसे करे फिर

तो बस वहां से हमने सीखा और फिर इनको देख देख के फिर एंड uh, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक uh, दो तीन जगह माशा बहुत जगह okay. uh, पर हमने परफॉर्म किया एंड माशा इट वॉज फुल हाउस और मुझे तो नहीं लग रहा था कि कोई uh, टिकट लेकर आएगा बिकॉज एक नए कुछ देखने के लिए नहीं आएगा बट फाइव थाउजेंड का टिकट था एंड हॉल वॉज पैक ओके मतलब हाउस फुल मिला या माशाल्लाह और रिस्पांस कैसा मिला लोगों का बहुत जबरदस्त मिला यहाँ वहीं पर हमारी कहानी शुरू होती है एक और एनजीओ इसमें एनजीओ आ जाता है वहां पर कामी से मेरी मुलाकात हुई ट्रांसजेंडर है वो और पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांस मॉडल है सीरियसली यस उनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर मैं उनके एनजीओ के लिए मैंने काम किया और मुझे मैं जब वहाँ गई, वहाँ बैठी, उन लोगों लोगों से बात किया, then I feel, यार, what is this? हम क्या क्या समझते हैं इन को? कि ये डॉक्टर्स इनमें no, hmm. बैठे हुए हैं इंजीनियर्स इनमें बैठे हुए हैं इंजीनियर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये लोग काम कर रहे हैं दे आर एवरी फील्ड दे आर और uh, मेरे फिर यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे मुझे ब्रेक पे जाना है तो वीर मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद के साथ बहुत प्यारी जी मैं आपको बता रही थी किस तरह से, मैं कामी से मिली थी सही। जो पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांस इंटरनेशनल रिप्रेजेंटर भी है और ट्रांस मॉडल है मॉडल भी है और उनसे किस तरह मिली फिर उन्हें उनके साथ जब मैं गई उनसे उन लोगों में मिंगल हुई तो मुझे पता चला की हाँ कि हम कितना गलत सोचते हैं इनके बारे में कि ये गाने बजाने वाले स्ट्रीट बैगर्स नो दे आर नॉट दे आर वेल एजुकेटेड और वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं बिकॉज hmm. वो वो चीजें फेस कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते बिल्कुल सिंस बर्थ उनको जो है टॉन्ट्स होते हैं बिल्कुल ठीक है हैमिंग हो रही है उनके बारे में hmm. उनको वो पैथ नहीं मिल रहा जिसमें वो जाना चाह रहे हैं फिर भी वो अपने आप को Rough and tough करके वो अपनी बना रहे कि एक है, engineer है और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में है आ, में है, है। इसके अलावा में 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 और और तो ये मैं आ, सबसे ज्यादा पंक्चुअलिटी इनके अंदर होती है और ये अपने काम को बहुत ज्यादा जो है अहमियत देते हैं और एनजीओ में सबसे पहले तो ये बात है कि इनको इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हमारे पास बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आते हैं जो यंग बच्चे आते हैं वो यही क्या-क्या कह आ रहे होते हैं कि बाहर वाला अगर कुछ कहता है ना तो कुछ नहीं होता बिल्कुल बाजी आ, बाहर वाले ने अगर मुझे कुछ कह दिया ना तो मेरा दिल नहीं रोता जब मेरी अम्मा मुझे कुछ कहती है ना हाँ। और जब मेरा भाई कहता है ना हाँ। इस बेगैरत को घर में बिठाओ बहुत तकलीफ होती है Obviously, इंसान है और क्या करे वो क्या मतलब अपने आप को बंद करके हम, कर हम कुत्ते बिल्ली तोते पैट्स पाल रहते हैं हाँ। जो कि अल्लाह ने हमें दी है नेमत हाँ। ब्लेसिंग है ये भी अल्लाह की अशरफुल मखलूकत में है ये हाँ। और उनको हम निकाल के फेंक देते हैं सही। उनके बारे में हम सोचते ही नहीं है। दिस इज रॉन्ग दिस इज टोटली रॉन्ग बट आई हैव आल्सो सीन मतलब वेरी रेयर थिंग्स यू नो कि यहाँ पे फिर ये अपनी एक लाइफ बनाते हैं फिर ये अपने अपने आप आप को को सवार के रखते हैं फिर अपने बिजी करते relationship हैं रिलेशनशिप उनको जब घर में नहीं मिल रहा ना तो वो फिर अपनी आपा अम्मा खाला ही बना लेते हैं हाँ। एक अगर आप उनको एक छोटे से रूम दे दें वो अगर कोई बाहर घूम रही होगी ना उसको बोलेगी तुम्हारे पास घर नहीं है कोई बात नहीं तुम मेरे साथ रह लो तुम अपना खर्चा करो तुम खर्चा छत तो है ना थोड़ा बहुत जो भी होगा हम खा देंगे तो वो जो एनजीओ है आप उसकी मेंबर भी हैं I'm just working for them as okay, a as a, a soul heart. हाँ okay, आप उनके काम करती हैं। हाँ। Okay, तो वो एनजीओ में कितने क्वांटिटी में लोग इस तरह के हैं? काफी सारे uncountable, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं कह रही हूँ ना एजुकेटेड पीपल हैं। Okay, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हाँ, जो के इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रहे हैं। सही। और पाकिस्तान को एक positive

वो कहते कि बाजी हमने अपने आप को मार लिया है ओह माय गॉड अंदर कुछ नहीं है ओह माय गॉड जब हमारे घर वाले सपोर्ट कर सकते थे हमें मैंने अपनी मैट्रिक की फीस देने के लिए वो काम किया है जो मेरे ज़मीर मुझे बिल्कुल भी नहीं कह रहा था करने को तो मैंने सोचा मर गई तू हां ah. शीला मर गई तू मतलब वो उसका नाम कुछ और था लेकिन हमने उसको नशीला नाम दिया तो कहती शीला मर गई तू अब इस जनाजे को तू ले जा। ये 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 एक हमारे की बड़ी कड़वी हकीकत है कि जिसको जब uh, जब अपने घर वाले वाले ही नहीं कर कर रहे हैं, तो वाले कैसे कर सकते हैं? तो बाहर कैसे सकते तक ये एक जहरीला एक दिमाग में ये जो जहर है ये जब तक निकलेगा नहीं तो तब तक मुआरा हमारा जो है वो नहीं कर सकता बिल्कुल बिल्कुल जब हम से स्टार्ट हैं तो वो घर से ही देते हैं ना बच्चे हाँ। को ऐसे बैठो ऐसे नहीं हाँ। करो इससे नहीं, नहीं करो तो ये भी एक एजुकेशन है मैं आपको बोल रही हूँ आप हाँ। आपको कोई नहीं है आप उसका देखभाल कर रहे हो हाँ। यार वो तो इंसान है सांस लेता है बोलता है एहसास से उसके अंदर शुड थिंक अबाउट ना सही कह रही है आप खैर मुझे ये बताएं बहुत ज्यादा हम लोगों ने ड्राई बातें कर ली आप जरा आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या किया आपने कैसे बच गया मैं तो एरोप्लेन मोड पे रखा हुआ लगा दबा नहीं होगा, होगा। खैर कहाँ से स्टार्ट करूं मैं करती हूँ खैर बहुत ज्यादा जो है बातें हमने सीरियस करी और बीच में जो है आपने अपने बहुत सारे किस्से भी सुना दिए जो आज हमें हमें भी पता चला और इस शो के बाद आपकी अम्मी जी को भी पता चलेगा खैर अम्मी नहीं छोड़ेंगे अम्मी नहीं छोड़ेंगी मुझे ये बताया माशाल्लाह आपने बताया कि 18 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई और बीस साल की उम्र में आपके पास बेबी था शादी को कितना हर्सा हो गया <laughs> वैसे औरत से एज नहीं पूछते लेकिन आई डोंट नहीं नहीं मैं एज नहीं पूछ रही हूं मैं शादी को पूछ रही हूं अरसा कितना हो गया 20 साल 20 साल हो गए तो 20 सालों में ऑब्वियसली आपकी बहुत एक स्ट्रांग बॉन्डिंग है अपने हस्बैंड के साथ अपने इन लॉज के साथ मुझे ये बताएं कि दोनों में से बर्थडे किसको याद रहती है दोनों को नहीं <laughs> कौन याद कराता है <laughs> दोनों को याद नहीं होती मेरी सिस्टर कॉल करती है विश कर देना तुम्हारे हस्बैंड की बर्थडे एनिवर्सरी मेरी सिस्टर है हुनैदा हाँ. तो अगर आपके खानदान में किसी की शादी हो हाँ. आ, किसी की बच्चों की पैदाइश हो रही हाँ. हो या कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो ना अगर आपको पता करना है ना तो हुनैदा को फोन करें हुनैदा क्या हो रहा है खानदान में ये हो रहा है ये हो रहा है सबकी बर्थडे पे वो विश करने के लिए पहले ही से अलार्म कर देती है कि विश कर देना ये कर देना एंड ना उनको याद रहता मुझे Actually, हम लोग इस तरफ है ही नहीं मुझे अपने मुझे काफी हो गया मुझे तो बच्चे खुद याद दिला देते हैं कि अम्मा बर्थडे है <laughs> क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा बिजी रहती हैं इसलिए इस और एनिवर्सरी भी ऑब्वियसली आपको नहीं याद रहती है मतलब ये बीस साल तो, okay, फिर याद <laughs> 20 भी याद नहीं है बीस सालों में शादी की डेट याद है हाँ क्या थी? वो याद है क्योंकि हम आ, जब मजाक मजाक में वो कौन सा मॉल है आ, ओशन मॉल था अपनी कौन सा मॉल नहीं उस टाइम पे कौन सा मॉल था हुँ. एक ही मॉल था शायद आई डोंट नो खैर तो वहाँ पे हम गए थे तो पामिस्ट को दिखाया था तो उसने बताया था टू थाउजेंड समथिंग मैं आपकी जो है ना बेटी होगी और उसका आप इससे नाम रखना तो वो शादी इसलिए याद रखते शादी नहीं याद शादी की डेट भी नहीं याद <laughs> नाजरीन ये जो इस वक्त मेरे सामने खातून बैठी है <laughs> ये बहुत ही प्यारी है और मुझे ये बताए खाना किस तरह का पसंद है आपको देसी चाइनीज या फिर कॉन्टिनेंटल खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ अच्छा मैं खुद भी कुकिंग करती अच्छा हूं। क्या बना लेती जब घर पे होती हूँ तो अच्छा क्या बना लेती है बेवकूफ अच्छा क्या बनाती हूँ बेवकूफ तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ लेकिन इसके अलावा जो है मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ इटालियन इटालियन वाह और रशियन सैलेड तो मेरे बॉस ने मुझे सिखाई तो <laughs> यहाँ पे हम लोग जो रशिया का और चाइनीज़ नहीं होता वो बिल्कुल अच्छा। तो पोटैटो से वेट गेन नहीं होता नहीं वो एनी टाइम वो उनकी जो है ग्रीन टी चल रही होती है कॉफी ग्रीन टी ओके इनटेक बहुत करते हैं चाहे जितनी भी गर्मी हो कॉफी उनकी चल रही होती

के, खाना वाना गर्म करके भी दे देते दे हैं कि कि अगर खा के नहीं आई हो तो मतलब तो। 200% जो है वो आपके एक बहुत ही लोग मुझे कहते हैं मैं देते हैं बट वेरी आज मुझे इतना मजा आ रहा है आई टेल यू और हमारे देखने वाले जो है उनको भी यकीनन वो भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ये जो है पहला गेस्ट है शो का, जो मेरे साथ इतना जो है, मुझे लग रहा है मैं पहली दफा नहीं मिली हम पहले भी मिल चुके आर वेरी लाइवली और आप इतना प्यारा हस्ती हैं आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है Thank you so और मैं मैं किस-किस चीज की तारीफ करूं मैं तो फैन आपसे आप अच्छा okay, आप खैर मेरे शो का जो वक्त है वो खत्म होने जा रहा है और पता ही नहीं चला आपके साथ टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और जाने से पहले हमारे यूथ को हमारी यंग यूथ को क्या मैसेज देंगे आजकल के यूथ जो है वो और रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट इन मैनर्स सिर्फ ये नहीं कि हमने ये कर लिया ये कर लिया ये करें, नो आपने उसके लिए हार्ड वर्किंग करना है हाथ में हर चीज नहीं मिल जाती यू हैव टू अर्न दैट बिल्कुल मेहनत से ही कहते हैं मेहनत में ही अजमत है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड इतना टाइम देने के लिए बिकॉज़ आई टॉक टू मच नहीं 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 बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह ऐसा शो किया थैंक यू वेरी मच फरीहा और वी एज ये जो थी हमारे साथ फरीहा आकिब और बहुत प्यारी हैं ये और बड़ी अच्छी बातें कही है इन्होंने और इसी के साथ मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफ़िज